बहुत छोटू अरे शाबाश वेरी गुड सीट बेल्ट तो बढ़िया लगा है भाई लाइसेंस है दिखाओ लाइसेंस तो लर्नर लाइसेंस है लर्नर लाइसेंस और आपके साथ कोई भी बैठा भी नहीं है चालान तो कटाना पड़ेगा बबुआ तुमको गाड़ी किनारे और खड़ी करो नीचे उतरिए आप और चालान कटवाइए लर्नर लाइसेंस में आप इस तरीके से नहीं चल सकते हैं दीजिए अपना लर्नर लाइसेंस समझे आप ठीक है बबुआ सीट बेल्ट तो बढ़िया लगाए हो समझ गए हो थोड़ा बहुत नियम है ना लगा लो और किनारे आओ जल्दी क्या हुआ अंकल यार छोटू कटवा लिए चालान हो गया घटिया कटवा लिए अब दोबारा आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप आइएगा ना तो अपने साथ जो है कोई वैलिड लाइसेंस जिसके पास लाइसेंस हो ये गाड़ी चलाने का उसको साथ में लेके आना ठीक है ना समझ गए मेरी बात चलो चलो ठीक है और हाँ यार एक बात चले जाओ हाँ और एक बात और सुनना था ऐसे पूरी बात सुनते ही नहीं है एक बार और सुनना था इनको चलिए अगली बार आएंगे तो फिर से देख बन गया आपका लाइसेंस परमानेंट लाइसेंस नहीं बनाना अभी चलिए आइए क्या बात है सर आप लोग जो है पिछली बार भी उसको रोक करके चालान काट दिए थे और इस बार भी जबकि उसके पास लाइसेंस है लर्निंग का और मेरे पास तो परमानेंट है और मैं साथ में हूँ ऐसी स्थिति में बार बार रोकना आप लोगों का ये अच्छी बात नहीं है इसको आप एक्सप्लेन करिए कि क्या कहाँ पर गलती हो रही है देखिए अंकल जी मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास वैलिड लाइसेंस है पर आप कहाँ बैठे हो आप अभी आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं मान लीजिए लर्नर लाइसेंस है इस बच्चे के पास अभी हमने रोका था तो लर्निंग लाइसेंस है इसके पास और मान लीजिए इससे कोई गलती हो जाती है स्टेयरिंग में या क्लच में या गियर में या ब्रेक में एक्सीटर में तो आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे पीछे बैठे हुए हैं तो? पिछली बार जब आपने चालान किया इसका ये बात बताया आप मैं बता रहा था वो सुना ही नहीं मैं बता रहा था प्रभु मैं बता रहा था उस बच्चे से वो पूरा पूरी बात सुना ही नहीं चला गया नहीं नहीं ये गलत तरीका बताया हूँ अंकल जी बताया हूँ उसको कहाँ बताए हैं आप बताए बताया हूँ चलिए मैं बताया हूँ सुना ही नहीं सुनते ही नहीं आजकल सुनने बच्चे कहाँ सुनते हैं सुनना कम पसंद करते हैं है ना तो मैंने बताया था उनको और पूरी बात और आज पूरी बात आपको फिर से मैं बता देता हूँ ये लर्निंग लाइसेंस वाले लड़का है आप कभी भी अगर चलेंगे तो इनके बगल में ही बैठ के चलेंगे ये नियम है पीछे कोई नहीं बैठता है लर्नर लाइसेंस के साथ पीछे कोई भी नहीं बैठता है आप हमेशा जो है हमेशा आप आगे ही बैठेंगे जिनके बगल में ही बैठेंगे ताकि अगर इनसे गड़बड़ी होती है ना कुछ तो आप कंट्रोल कर सकें आपका पैर आराम से एक्सीलेटर में आ जाए ब्रेक पे आ जाए आपका अगर सहूलियत होगी बहुत शानदार तरीके से चलिए आपने आज इस बात की जानकारी दी हम अन्य लोगों को भी इसी तरीके से चलिए हमको खुद का आइडिया नहीं ठीक है अंकल जी आप वहाँ बैठिए और एक बात और सुनिएगा और एक बात और सुन लीजिए अंकल जी मैं ये बोल रहा हूँ जब कभी भी लाइसेंस चले जाओ एक बात और बोल रहा हूँ बताना चाहता हूँ आपको जब भी आप लाइसेंस वाली गाड़ी लेके आ रहे हैं ना अरे नाराज क्यों रहे हैं भैया नाराज क्यों हो रहे हो आप अब देखिए इस बार भी इन्होंने पूरी बात हमारी सुनी नहीं नमस्कार भाई साहब नमस्कार आज तो आपने हमारी गाड़ी नहीं रोकी लास्ट दो टाइम इसका चालान कट चुका है पिछली बार मेरा भाई था पिताजी भी थे वो पीछे बैठे हुए थे भाई कौन है दिखाई है तो भाई को दिखाई भाई है लर्निंग लाइसेंस है उसके पास अच्छा। मेरे पास फुल लाइसेंस है मैं सामने बैठा हुआ था फ्रंट पे अच्छा अच्छा हाँ इस बार आपने कोई चालान नहीं काटा हमारे ये यार बेहतरीन है यार ये चीज़ तो आपने बहुत बढ़िया किया जी हाँ बिल्कुल ये नियम कैसे पता चला आपको जानकारी ली आप लर्निंग लाइसेंस की जानकारी आपके चैनल से भी मिली थी अच्छा अच्छा हाँ उसी दौरान मैंने ये आगे पीछे लगवाया दोनों बहुत बढ़िया शानदार फ्रंट पे बैठा हूँ लर्निंग लाइसेंस का छोटा भाई मेरा ये ड्राइवर सीट पे बैठा है सीट बेल्ट भी लगाया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है आप देख रहे हैं ना इस कार में आप देख सकते हैं सभी लोग ये
जो रेड कलर से एल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लर्नर्स जो है इसको ड्राइव कर रहा है ना, जो भी प्रशिक्षु है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, वो वाहन चला रहा है। तो इसका एल जो है, इसका भी एक निश्चित पैमाना होता है, एक निश्चित पैमाना है ये, 10 सेंटीमीटर से इसका जो है, इसका पूरा स्क्वायर जो है इससे छोटा नहीं होना चाहिए, और इसका जो ये 18 सेंटीमीटर से छोटा स्क्वायर पे नहीं बनना चाहिए एल साइज जो है, ठीक है। और इसका जो है रेडियम से पेंट हो ज़्यादा अच्छा है कि लाइट पड़े तो एकदम दिखे क्लियर आपको। हमको ये दिखाने के लिए हमने लगाया है कि जो आगे से वाहन सामने से आ रहा है या जो पीछे से आ रहा है वो स्पष्ट तरीके से जान जाए कि हाँ कि ये जो है प्रशिक्षु है, ट्रेनिंग के अंडर में चल रहा है, तो हम भाई अपना बचाव करके चलें। और दूसरी बात देखिए, लर्निंग लाइसेंस में पहला तो ये नियम हो गया कि ये एल मार्क होना जरूरी होता है, ठीक है ना। और दूसरा सबसे ये सामने भी रहेगा, ये फ्रंट पे भी आपने एल देखा, ये इसको एल मार्क करेंगे, रेड कलर का रहेगा, ये किस कलर का रहेगा, ये रेड कलर का रहेगा, ठीक है। आप सुन लीजिए, सबको बताइएगा इस चीज का, ये रेड कलर का रहेगा। और ये रियर में देख सकते हैं, आपने पीछे भी देख रहे हैं आप, ये एल साइज का। और इसका एक पैमाना जो निश्चित बताया गया है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, वो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से हम ये किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो ये एक स्क्वायर पे आना चाहिए, इसकी एक चौड़ाई निश्चित है और एक लंबाई निश्चित है। किसी भी दुकान में कहीं भी जाके प्लीज़ इस स्टिकर मत लगवाया कीजिए, जो जानकारी रखते हो उनसे रखवाया कीजिए। और ये बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा ये जान के, 2 बार चालान कटा, और चालान कटने की वजह क्या थी कि वो पूरी तरीके से हमारी बात तो सुनते नहीं थे। बिल्कुल, आपके छोटे भाई भी जब आए तो उन्होंने भी पूरी बात हमारी सुनी नहीं, और जब पापा जी आए तो उन्होंने भी पूरी तरीके से बात सुनी नहीं, बल्कि वो हमसे लड़ने लगे थे। आज सही है, अब बहुत सही है, बहुत बढ़िया। और आप पीछे के नेशनल हाईवे में चला सकते हैं। अच्छा, इस गाड़ी को अपन हाईवे पर तो चला सकते हैं, यही ड्राइवर यही गाड़ी बिल्कुल चला सकते हैं, आप देश के हर कोने में आप जा सकते हैं। लेकिन तरीका मैंने बताया था पहले भी कि आपको पीछे किसी को नहीं बैठाना है, केवल 2 लोग चलेंगे 4-व्हीलर पे, फ्रंट में जो फ्रंट में रहेंगे और आप उनके बिसाइड में हैं। आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, मतलब कि परमानेंट लाइसेंस आपके पास होना चाहिए इस गाड़ी का। आप उनके बगल में बैठेंगे और ऐसे सिचुएशन बना के बैठेंगे कि अगर उनकी बैलेंस उनसे बिगड़ता है या स्टीयरिंग से बैलेंस बिगड़ता है, आप कंट्रोल कर सको गाड़ी को, कुल मिला के ना हो, बात ये रहती है। तो ये एक नियम होता है ऑल ओवर इंडिया में। आप कई लोगों को डाउट्स हैं लर्निंग लाइसेंस में, एक्चुअली बहुत लोगों को रहता है डाउट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, इसलिए आपको हमने नहीं रोका, हमने देखा ठीक। नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल द ट्रैफिक कॉप विवेकानंद तिवारी में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि जो लर्निंग लाइसेंस वाले हैं, लर्नर लाइसेंस रखे रहते हैं, उनके मन में बहुत से सवाल रहते हैं कि कब हम चल सकते हैं। आज हमने देखा 4-व्हीलर पर देखा है हमने, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2-व्हीलर पर देखेंगे, और धीरे धीरे करके आपको हम ट्रैफिक के सारे नियमों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे इस चैनल द ट्रैफिक ऑफ विवेकानंद तिवारी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो इसमें हम डे टू डे वीडियोस डाल रहे हैं उनको प्लीज़ देखिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ क्वेश्चन हो डाउट हो फॉलो उसको, और मेरे इस फेसबुक पेज स्वामी विवेकानंद तिवारी इसको भी फॉलो करें, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। जय हिंद।